हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था इंटीजर्स के ऊपर आज हम देखेंगे कुछ ट्रू और फॉल्स करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर वन देख लेते हैं यहाँ में क्या लिखा है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स और एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये सही है ना गलत है इसको हम लोग डिसाइड करेंगे तो वन टू पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स प्लस ना से सपोज हम टू और थ्री टू और थ्री को ले लेते हैं तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा पॉजिटिव ही होगा ना टू प्लस थ्री फाइव तो टू भी इंतीजर्स है थ्री भी इंतीजर्स है तो जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर से है मीन्स क्या है ये रिज़ल्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है तो फिर वेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करेगा तो वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर्स ये तो गलत होगा क्योंकि माइनस टू एंड माइनस थ्री दोनों को हम प्लस करेगा तो क्या होगा ये तो कितना हो जाएगा माइनस टू तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस थ्री तो ये माइनस फाइव होगा ठीक है तो माइनस फाइव होगा तो ये क्या है ये तो पॉजिटिव नहीं है ना ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है ठीक है तो इसलिए ये क्या होगा ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत होगा तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या है वेन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए निगेटिव इंटीजर्स वेन पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स एड करेगा तो हमेशा एंसर जो आएगा वो निगेटिव में होगा बोलाएं ये तो गलत होगा क्योंकि मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स थ्री है थ्री है निगेटिव इंटीजर्स माइनस वन है तो ये दोनों को प्लस करेगा तो कितना होगा माइनस वन ये तो थ्री माइनस वन होगा तो ये कितना होगा टू होगा तो ये तो नेगेटिव नहीं आ रहा है ना ये तो पॉजिटिव आ रहा है तो ये टू जो है पॉजिटिव आ रहा है तो मेन क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं नेगेटिव नहीं है ये तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी गलत होगा तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर इज़ माइनस एट एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एट इज़ एट ये तो सही है एडिटिव इनवर्स हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स मीन्स क्या है एडिटिव इन्वर्स ऑफ एट मीन्स क्या है वो माइनस एट हो जाता है फिर एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस एट क्या है बोलने से वो एट हो जाता है तो आप इसका डेफिनेशन क्लास सिक्स में हम लोग पढ़ चुका है तो हमेशा याद रखो एडिटिव इन्वर्स ऑफ एट होगा तो निगेटिव ऑफ एट होगा फिर बाईस वर्षा होता है इन द सेम वे माइनस एट के एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस एट बोलने से एट होता है तो ये सही है स्टेटमेंट तो ये थर्ड क्या है फोर्स द इनवर्स ऑफ इंटीजर दैट इज़ बीइंग बींग्ट्रैक्टेड टू द इंटीजर्स ये भी सही है क्योंकि कोई भी माइनस लिखने के लिए क्या होना पड़ता है यहाँ एग्जाम्पल उसमें देख लीजिए अगर हम माइनस सेवेंटी थ्री को फिफ्टी सिक्स से डिडक्ट करना चाहता है तो कैसे लिखते हैं फिफ्टी सिक्स माइनस सेवेंटी थ्री तो इसको हम क्या करते हैं फिफ्टी सिक्स प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या बोलता है सेवेंटी थ्री बोलता है तो इसको ही हमें बता रहा है कि फॉर अपट्रैक्शन वी एट द इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर डेट इज़ बीइंग अपट्रैक्टेड टू द इंटीजर्स मीन्स क्या है हम लोग ऐड करता है एडिटिव इन्वर्स को ना जो हम लोग जिससे हम लोग माइनस करना चाहता है तो देखिए हम लोग फिफ्टी सिक्स को और सॉरी सेवेंटी थ्री को फिफ्टी सिक्स से डिडक्ट करना चाहता है तो ये कितना होगा फिफ्टी सिक्स माइनस सेवेंटी थ्री तो ये इसको कैसे लिखते हैं फिफ्टी सिक्स प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सेवेंटी थ्री इन द सेम वे अगर हम माइनस सेवेंटी थ्री को मान लीजिए हम माइनस सेवेंटी थ्री को डिडक्ट माइनस सेवेंटी थ्री को हम डिडक्ट करना चाहता है फिफ्टी सिक्स से ना तो यहाँ में देखिए फिफ्टी सिक्स माइनस 56 माइनस 56 माइनस माइनस सेवेंटी तो ये क्या आएगा 56 प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस सेवेंटी ठीक है एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस सेवेंटी ये करेगा तो कितना होता है माइनस माइनस ये तो हमको पता है कि प्लस हो जाता है तो लास्ट में आंसर इतना आ जाता है तो ये वाला जो भी 56 सिक्स माइनस सेवेंटी होने से कितना होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 56 सिक्स माइनस सेवेंटी थ्री हो जाता है तो ये माइनस सेवेंटीन होता है तो आप माइनस करने से इतना ही आता है ठीक है तो इसका मतलब ये है तो यहाँ फिर दूसरा स्टेटमेंट में हम चलते हैं क्या है माइनस टेन प्लस थ्री माइनस माइनस टेन प्लस थ्री इस इक्वल टू टेन माइनस थ्री सही है ना सॉरी टेन माइनस थ्री ये दोनों सेम है ना नहीं है तो माइनस टेन प्लस थ्री ये तो माइनस सेवन हो जाता है ना और ये टेन माइनस थ्री मीन्स ये सेवन ये दोनों तो गलत है ऐसे तो इक्वल नहीं हो सकता मीन्स ये गलत स्टेटमेंट है तो एट में क्या है एट माइनस सेवेन माइनस फोर एट एट प्लस माइनस सेवन माइनस माइनस फोर इसवल टू एट प्लस सेवन माइनस फोर ये सही है ना गलत है इसको हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे चेक करके आप देख के देखो तो एट प्लस प्लस माइनस ये माइनस सेवन हो जाएगा फिर माइनस माइनस ये भी प्लस फोर हो जाएगा तो ये एट प्लस सेवन माइनस फोर ये तो सेम नहीं हो सकता है ना ये तो एट माइनस सेवन मीन्स वन वन प्लस फोर हो जाता है ये कितना होता है एट एट प्लस सेवन माइनस फोर कितना होता है थ्री तो ये तो फाइव है और ये तो एलेवन हो गया ये तो दोनों तो इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि फाइव जो छोटा है एलेवन से फाइव इस नॉट रिकल टू अलेवन मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है तो इसलिए इंटीजर्स का ऊपर हम लोग ऐसे जो ट्रू और फॉल्स है ऐसे हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं तो और एक इम्पोर्टेंट वाला चीज़ अभी हम लोग देखिएगा ये ऐसा पैटर्न एग्जाम में आ रहता है ये पैटर्न है तो ये चीज़ को हम लोग जानना है ध्यान से देखिए यहाँ में सेवन थ्री माइनस वन माइनस फाइव ऐसे जा रहा है तो अब यहाँ देख के देखिए सेवन से थ्री गया थ्री से माइनस वन माइनस वन से माइनस फाइव चला गया यहाँ ये यह तीन चीज़ है इसमें कैसे आएगा इसको हम लोग ध्यान से ध्यान लगा के देखना है सबसे पहले क्या है सेवन आ गया फिर थ्री फिर माइनस वन माइनस फाइव उसके बाद हम लोग यहाँ क्या क्या आएगा ना इसको हम लोग फाइंड आउट करना है आप लोग ध्यान से इसको ध्यान से देखो ये हमें थ्री आ गया ना तो सेवन से थ्री आ गया मीन्स क्या है सेवन माइनस फोर होने से कितना होता है सेवन माइनस फोर होने से थ्री हो जाता है तो फिर थ्री से फिर माइनस वन आ गया इसको भी करके देखो थ्री से फोर माइनस करके देखो माइनस वन आ जाता है ना ठीक है फिर माइनस वन से फिर माइनस फाइव माइनस वन से फिर माइ माइनस वन से फिर माइनस फोर करके देखो माइनस वन से फिर माइनस फोर करके देखो माइनस फाइव आता है तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग फोर से डिडक्ट करता है हर जगह तो फाइव यहाँ भी फोर से डिडक्ट कर किया है यहाँ भी किया है मीन्स ये कंटिन्यूस है ठीक है इससे पकड़ना है तो ऐसे माफी हम माइनस फाइव यहाँ में कौन आएगा ये फाइव माइनस फाइव के बाद कौन आएगा माइनस माइनस फाइव माइनस फोर ये कितना हो जाएगा माइनस नाइन तो ये माइनस नाइन होगा ठीक है फिर उसके बाद कौन आएगा माइनस नाइन माइनस फोर ये कितना होगा माइनस थर्टीन होगा ये माइनस थर्टीन होगा फिर माइनस थर्टीन के बाद कौन आएगा माइनस थर्टीन माइनस फोर कितना होगा माइनस सेवेंटीन आएगा क्लियर तो यहाँ में माइनस सेवेंटीन ये आंसर है तो नेक्स्ट वाला को भी देख के देखो ये माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट ये तो सीधा हम बोल सकते हैं ये माइनस टू टू के बाद ये डिटाक हो रहा है ना माइनस वैल्यू माइनस टू से पूरा गद रहा है कितना कितना नंबर से गद रहा है देखो टू के बाद कौन आ रहा है फोर मीन्स माइनस टू के बाद माइनस टू हो रहा है तो ये माइनस फोर फिर माइनस फोर के बाद माइनस टू डिवाइड माइनस करो तो माइनस सिक्स फिर माइनस सिक्स के बाद माइनस टू करो मींस माइनस टू से गत रहा है मीन्स क्या होगा यह माइनस टू से हम लोग बढ़ाते रहेगा तो ये माइनस टेन हो जाएगा यह माइनस एट के बाद कितना होगा माइनस टू माइनस माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस एट उसके बाद ये तीनों जगह में कौन कौन आएगा माइनस एट है तो माइनस टेन हो जाएगा ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा मैं ये माइनस फोर्टीन हो जाएगा ठीक है तो वैसे हम लोग इसको देखना है फिर थर्ड पॉल को देखो ये फिफ्टीन है फिफ्टीन से टेन टेन से फाइव ऐसे दिदा गोरा है ना फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव होने से कितना हो रहा है टेन होगा देखो फिर टेन माइनस ये टेन से माइनस फाइव करो कितना आ रहा है फाइव देख रहा है तो फाइव माइनस फाइव कितना हो रहा है जीरो फिर जीरो से हम माइनस फाइव करेंगे तो ये कितना होगा माइनस फाइव फिर माइनस फाइव से और माइनस फाइव कितना करो ये माइनस टेन फिर माइनस टेन से और माइनस फाइव करो ये माइनस फिफ्टीन तो यहाँ तीन तीनों जगह में ज़ीरो के बाद यहाँ में कितना आ जाएगा माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन क्लियर तो ये वाला लास्ट वाला को आप लोग को ट्राई कीजिए तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक छोड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन पॉइंट वन को हम लोग डिस्कस करेंगे सी यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू